भारत ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। ये काम फ्रांस नहीं करता, ये काम बरतानिया नहीं करता जो इंडिया कर रहा है, ये काम जो है वो न्यूजीलैंड नहीं करेगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं करेगा, यूरोप नहीं करेगा, ये काम कोई भी मुल्क नहीं करेगा, ये काम सिर्फ और सिर्फ इंडिया करेगा। आपको बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के सम्मान में पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज को झुकाया जाएगा। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से ट्विटर पर ये लिखा गया, यानी एक्स की वेबसाइट पर ये लिखा गया है कि डीपली सैडेंड एंड शॉक्ड बाय द ट्रेजिक डिमाइस ऑफ डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने आगे कंडेम किया इस वाक्य को। ठीक है। बोला कि इस मुश्किल वक्त में हम ईरान के साथ खड़े हैं। और आधा ध्वज इस दिन झुका रहेगा जहां इसे नियमित रूप से फहराया जाता है, और राजकीय शोक की अवधि के दौरान मनोरंजन वाला कोई भी आधिकारिक कार्यक्रम नहीं होगा। उनके झंडे लगे हुए हैं, उन्हें आधा झुका दिया जाएगा। बाकायदा शोक का ऐलान कर रहे हैं एक दिन का। इस गम की घड़ी में, इस दुख की घड़ी में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ईरान के साथ इस हर एक जगजहती करते हुए कहा है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। कुछ लोग को मतलब हर एक अपनी अपनी, और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में अगर ये हमला हुआ है इसके पीछे पाकिस्तान का भी बड़ा, मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे जाने से लेकर अब तक दर्जन भर से ज्यादा ऐसे मफरूजे सामने आ चुके हैं, ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जिसके ऊपर बात की जा रही है कि क्या ये एक हादसा था, ये वेदर की वजह से हुआ, मौसम खराब था, फॉग थी, या फिर ये एक कत्ल है। और अगर ये एक कत्ल है तो इस कत्ल के पीछे किसका हाथ है? तो आइए ऐसे ही चंद थ्योरीज पर बात किए लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता देते हैं कि इब्राहिम रईसी अब प्रेसिडेंट नहीं तो कौन प्रेसिडेंट है, या उनकी जगह कौन लेगा। तो ईरान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक वाइस प्रेसिडेंट अब उनकी सीट संभालेंगे, लेकिन इसमें है इस तरीके से कि अकॉर्डिंग टू द ईरानियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन केस ऑफ प्रेसिडेंट्स डेथ और इनकैपेसिटी, द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट will take over until election is held within a maximum period of 50 days. तो कहा यह जा रहा है कि जो मोहम्मद मुखबर वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अब उनकी जगह संभाल ली है, उसको अनाउंस भी कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। लेकिन ईरानी मीडिया की तरफ से ये अनाउंस कर दिया गया है और बता दिया गया है कि ये हलाकतें हो गई हैं, और अब जैसा कि आप तस्वीरें देख रहे हैं इस वीडियो में, इस प्रोग्राम में आपको इमेजेस नजर आ रहे हैं कि उस फॉरेस्ट में जो रेस्क्यू टीम्स थी उन्होंने कैसे तलाश किया, उनकी लाशें किस तरीके से तलाश की गई, और ये फुटेजेस जो हैं वो पूरी दुनिया में चल रही हैं। दुनिया भर से इस वक्त मैसेजेस जो हैं वो पहुंच रहे हैं ईरान, और इसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से मैसेज गया है वहां तक, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, हमास के लीडर्स की तरफ से, इराक के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, कतर के लीडर्स की तरफ से, और जो अरब कंट्रीज हैं उनकी तरफ से। लेकिन अभी तक, जब तक कि मैं ये प्रोग्राम आपके लिए कर रही हूँ, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से कोई पैगाम ऐसा हमें नज़र नहीं आया। लेकिन इसराइल ने तो बिल्कुल जैसे ही इस हादसे की खबर पहुँचती है तो मिस्टर नेतन्याहू की तरफ से कहा गया कि उनका इसमें कोई हाथ नहीं है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से ट्विटर पर यह लिखा गया, यानी एक्स की वेबसाइट पर यह लिखा गया है कि डीपली सैडेंड एंड शॉक बाय द ट्रेजिक डिमाइस ऑफ डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी, प्रेसिडेंट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्ट्रेंथनिंग इंडिया ईरान बायलैटरल रिलेशनशिप विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड, माई हार्ट फेल्ट condolences to his family and the people of Iran. India stands with Iran in this time of sorrow. अब आप जानते हैं कि ईरान और इंडिया के ताल्लुकात बहुत ही ज़बरदस्त जा रहे थे, बल्कि आपको ये भी मालूम है कि हमने कुछ दिन पहले आप तक खबरें पहुँचाईं, ये जो चाबहार पोर्ट है उसका कंट्रोल इंडिया ने संभाल लिया है। चाबहार पोर्ट पे पहले भी इंडिया जो है वहाँ पर मौजूद था, और लेकिन अब 10 साल के लिए कंट्रोल संभाला जो एग्रीमेंट हुआ था, और जाहिर है कि वो एग्रीमेंट ईरान की इसी हुकूमत जिसका सरबरा इब्राहिम रईसी थे उन्होंने ही किया था। ये तो बहुत ज़बरदस्त ताल्लुका जा रहे थे, और जाहिर है कि एक ऐसा ही जो है उन्होंने
मैसेज उनको भेजा। कोई भी मुस्लिम कंट्री जो है वो इस तरह खुल के सामने आएगा, पाकिस्तान का क्या स्टैंड आया? ठीक है, पाकिस्तान को खुलम खुला एक दिन की छुट्टी अनाउंस की और एक रोजा शोक का ऐलान किया है। हालांकि इस टाइम था कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को ऊपर लेके जा सकते थे, फ्रंट से लीड किया जा सकता था इसको। हाँ, ये भी चीज है, एक साइड पे हम कहते हैं हम पूरी दुनिया के मुसलमानों के साथ खड़े हैं, रियल है। देखिए, अभी हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको चाहिए था कि वो इस खबर को अच्छे तरीके से हाईलाइट करता, अभी तो सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं चीजें। ठीक है। और दूसरा, पाकिस्तान का कोई क्लियरली स्टैंड नजर नहीं आता। एक तरफ आप उनके साथ $10 बिलियन की तिजारत करके बैठे हैं, दूसरी तरफ और आपका कोई बयान ही नजर नहीं आ रहा। ठीक है। ये वो वक्त था जब देखिए ईरान पीछे हट गया था ना, अब ईरान का एक मसला बन गया था। पहले नंबर पे तो वो हमारा ब्रदर मुल्क है, ठीक है, हम चाहते हैं कि नेबर कंट्री है। और मेरी बात सुनिए, जैसे ईरान हमारा नेबर कंट्री है वैसे इंडिया भी हमारा नेबर कंट्री है। जबरदस्त, हमारे जितने हमारे हमसाए हैं उन सबके साथ अच्छे तालुकात होने चाहिए, सबके साथ तिजारत होनी चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए। अच्छा, अब देखिए, अब पाकिस्तान को ये बहुत अच्छा मौका था कि पाकिस्तान आके फ्रंट पे आके मुस्लिम उम्मा को लीड कर लेता, लेकिन हम इस समय इस कंडीशन में हैं। लेकिन हम इस समय इस कंडीशन में इसलिए नहीं है कि हमारे पास जमहूरियत लुली लंगड़ी है, ठीक हो, जिसको हम अपने संभाल नहीं पा रहे। और हमारे यहाँ तो अपने IMF से पैसे लेने हैं, कैसे लीड करना है? हमारा ध्यान इस बात के ऊपर है कि हमने IMF से पैसे लेने हैं और हमारे अंदर जो गंदम का क्राइसिस इतना बड़ा खड़ा होने वाला है, आप उसको सोच नहीं सकते। वीट का, गंदम का, वो देखिए अभी किसान जो है वो एहतजाज कर रहे हैं आपके खिलाफ, ठीक है। और इस पूरी जो एक इंटरनेशनल जो एक सिचुएशन बन रही है ना, इसके अंदर अगर कोई सबसे बेहतरीन रोल प्ले कर रहा है ना, वो मुल्क प्ले कर रहा है। हाँ। तो वो मेरे ख्याल ईरान था जो कर रहा था अभी। अच्छा, तक एक चीज है, अगर लेट्स सपोज कोई ऐसी खबर, कोई ऐसे मतलब एविडेंस नजर आते हैं कि मुसाद या इसराइल या US की कोई एजेंसी इन्वॉल्व है, ईरान में हिजबुल्लाह एक मतलब जमात ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी जो हेड है या उसके बेटे ने ये ट्वीट किया, बकायदा तौर पे मैं खुद पढ़ रहा था, उन्होंने ये बोला है कि भाई अगर जरा भी हमें कोई एविडेंस नजर आए तो हम World War III की तरफ जाएंगे। क्या समझते हैं ईरान, क्या इस टाइम इस पोजीशन में, और दूसरे नंबर पे क्या पाकिस्तान या दूसरे मुस्लिम उम्मा इस्लामिक कंट्री साथ देंगे? देखिए, अगर तो ये वाकई निकल आता है क्लू, तो मैं आपको प्रिडिक्शन कर रहा हूँ कि ये बात वाकई वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएगी। सारे मुस्लिम कंट्रीज नहीं मिल सकते। ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी डेथ डिक्लेयर कर दी गई है, एक अफसोसनाक हादसे में वो अपनी जिंदगी की बाजी हार गए हैं। अब ईरान ने जो है 5 दिन के शोक का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि हमारा जो फ्लैग है जितने भी एम्बेसीज में लगा हुआ है वो आधा नीचे झुका रहेगा। और इसी के साथ साथ जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने ईरान के साथ इजहार यकजहती भी किया। उन्होंने कहा कि हम इस मुश्किल वक्त में ईरान के साथ खड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आप इस सारे मामले पर? मैं इस सारे मामले पर यही कहना चाहूँगा, पहली तो ये है कि बहुत अफसोस की बात है कि वो ईरान के जो सदर हैं वो शहीद हुए हैं। वैसे जो मेरी अपनी राय है, मुझे नहीं लगता कि ये एक हादसा है, ये एक मर्डर है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सानिया इसको डिक्लेयर किया जा रहा है और तमाम अक्वाम आलम इसके लिहाज से बहुत ही तशवीशकुन बयानात दे रही हैं। और इनानी प्रेसिडेंट की जो मौत है इस वक्त, वो एक मिस्टीरियस जो सिचुएशन है वो बदल चुकी है, उसमें बदल चुकी है। तो बहुत सारी चेमगोइयाँ इस हवाले से अब सामने आ रही हैं। उसकी एक बुनियादी वजह मेरे ख्याल में जो हालिया इसराइल और ईरान के दरमियान में टेंशन आपको दिखाई दी, जिसमें ईरान एंड इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ बराह रास्त हमले किए, तो इस एक टेंशन ने भी इन चेमगोइयों में इजाफा किया और इस स्पेकुलेशन की तरफ लोगों का ध्यान गया कि शायद ये कोई कॉन्स्पायरेसी